हेलो फ्रेंड्स, आज हम एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में ही पढ़ेंगे। हमारे कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं। हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है, हम पहले सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं एसिटल्स किन्हें बोला जाता है। एसिटल्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा, एसिटल्स क्या होते हैं, इनके हमारे क्या यूज हैं वो हम देख लेते हैं। हमने एल्डिहाइड और कीटोन की कुछ स्पेशल टाइप की रिएक्शन पढ़ी थी, तो मैंने वो आपको बताया था, वे थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जब हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की थी, तो हम आज फिर वही जिक्र करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, लेकिन आज हम ओनली एल्डिहाइड की बात करेंगे। जब हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड होता है, जैसे कि मैंने ले लिया आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एल्डिहाइड ले लिया, जब इन एल्डिहाइड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ करवाते हैं, एल्कोहल का क्या फॉर्मूला होता है, आर ओ एच मैंने लिया है, लेकिन थोड़ी सी एसिडिक कंडीशन पे जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या हो जाता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो इसके क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड हो जाता है, सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम, इस ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड कम, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाता है। टूटने के बाद इस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन तो किसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ओ आर किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ, यानी क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा, आर एज इट इज है, ये सी, इसको क्या जुड़ा हुआ, एच, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हमने ये हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया, और इस कार्बन को क्या जोड़ दिया, ये ओ आर ग्रुप। अब दोबारा से जब इसकी रिएक्शन आर ओ एच से करवाते हैं, दोबारा से फिर से एक और एल्कोहल आप डाल सकते हो, तो फिर से वही कार्बन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे जाते हैं, तो इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे स्लाइटली कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, इसी तरीके से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ये एच पॉजिटिव को ये ओ एच नेगेटिव लेके क्या बना के बाहर निकल जाता है, H2O, फिर से क्या बच गया, OR नेगेटिव, ये इस कार्बन से फिर से जुड़ जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, R, ये C है, एक H जुड़ा हुआ, इसको एक OR तो पहले से ही बचा हुआ, एक और OR बच गया, इन्हें बोलते हैं एसिटल्स। जो ये एसिटल्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, इनके ऊपर कोई बेस का इफेक्ट नहीं होता या कोई न्यूट्रल स्पीसीज का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। लेकिन इनकी एक खासियत ये है, अगर इनकी रिएक्शन दोबारा से किसी डाइल्यूट एसिड के साथ, एक्वस एसिड के साथ करवाते हैं, जैसे हमने डाइल्यूट एचसीएल डाल दिया, तो इस एसिटल को हम दोबारा से एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस एल्डिहाइड से हमने ये बनाया था दोबारा से उन्हीं एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं यूज ऑफ एसिटल ग्रुप एज द प्रोटेक्टिंग ग्रुप, यूज ऑफ एसिटल्स एज द प्रोटेक्टिंग ग्रुप। अब हम एसिटल्स का यूज करेंगे प्रोटेक्टिंग ग्रुप की फॉर्म में। प्रोटेक्टिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कोई भी दो ग्रुप प्रेजेंट है, किसी भी कंपाउंड के अंदर हमारे पास दो ग्रुप प्रेजेंट है, उनमें से हम एक की रिएक्शन करवाना चाहते हैं, दूसरे की रिएक्शन नहीं करवाना चाहते, उसको एज इट इज रखना चाहते हैं, तो उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, तो उसके साथ कोई भी क्या है, वो ग्रुप हमारा आगे रिएक्शन नहीं करेगा, इस तरह से हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो प्रोटेक्शन के लिए एसिटल्स बहुत बेनिफिशियल है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं, लेट अस कंसिडर हमारे पास ये है सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव। लेट अस कंसिडर मैं इसको क्या करना चाहता हूं, इसका रिडक्शन चाहता हूं। अगर मैं इसका रिडक्शन करूंगा तो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप साथ में रिड्यूस हो जाएगा। अब क्या है, हम इस ग्रुप को क्या कर लेंगे, प्रोटेक्ट कर लेंगे। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, हम वही दो एल्कोहल के पार्टिकल डाल देंगे और इसको एसिटल में कन्वर्ट कर लेंगे। ये एसिटल में कन्वर्ट करते ही क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा, तो एच टू ओ निकल जाएगा और इसके साथ कितने आर ग्रुप जुड़ जाएंगे, दो ओ आर ग्रुप जुड़ जाएंगे, बाकी एज इट इज रहेगा, क्योंकि एसिटल में क्या होता है, दो ओ आर ग्रुप जुड़ते हैं, बाकी एज रहता है। अब आपका इसमें से दो ओ आर ग्रुप इसको साथ जुड़ गए, एक ओ आर ये जुड़ गया, दूसरा ओ आर ये जुड़ गया। अब ये क्या हो गया, ये प्रोटेक्ट हो गया है, ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप था ये प्रोटेक्ट हो गया। अब हम इसको इजीली रिड्यूस कर सकते हैं, तो अब हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर इसके ऊपर NaBH4 नहीं LiLH4 डाल दिया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। जब भी रिड्यूस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, दो हाइड्रोजन इस कार्बन को जोड़ देंगे, एक इसको जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका जो प्रोडक्ट है वो देखो क्या बन जाएगा, CH3C, ये प्रोटेक्टेड है, इसको दो ओ आर ग्रुप जुड़े हुए हैं आपके, बाकी एज इट इज है, आगे क्या है, CH2 CH2, इसको हमने क्या, दो हाइड्रोजन इसको, एक इसको डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट कर दिया, सिंगल में, CH2OH, एक तो एल्कोहल ये बन गया, दूसरा आपका ये क्या है, CH2H5O, और इसको भी एक हाइड्रोजन जोड़ के ये भी एल्कोहल बन गया। अब इसको दोबारा से आप कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने बताया था इसका क्या करो, एक्वस कोई भी डाइल्यूट एसिड डाल दो, डाइल्यूट एसिड जब आप डालोगे तो इसको दोबारा से आप कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हो, दोबारा से एक कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, सी
डबल बॉन्ड हो, बाकी एज इट इज CH2 CH2, और क्या हो जाएगा, ये OH। तो इस तरह से हमने देखो हमारा जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप था वो फाइनल प्रोडक्ट में भी एज इट इज मेंटेन रहा। कैसे करके हमने इसको प्रोटेक्ट किया, कैसे प्रोटेक्ट किया, इसका इसके द्वारा एसिटल बना के। तो इस तरह से हमने एसिटल को किस में यूज किया, वी यूज द एसिटल एज द प्रोटेक्टिंग ग्रुप, हमने एसिटल्स को प्रोटेक्टिंग ग्रुप में यूज किया है। नेक्स्ट आपके हम एक दो रिएक्शन और है हमारे पास, वो देख लेते हैं कौन कौन सी रिएक्शन है। तो हमारे पास है एक, हमारे पास है विटिग रिएक्शन आपकी बची हुई है। विटिग रिएक्शन किसे बोलते हैं, विटिग रिएक्शन के अंदर क्या होता है भाई, हम कोई भी एल्डिहाइड लेते हैं या फिर कीटोन लिया जाता है। जब किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं हम, इनकी रिएक्शन करवाते हैं फास्फोरस इलाइड के साथ। फास्फोरस के इलाइड्स होते हैं। अब इलाइड्स किन्हें बोला जाता है, क्या होता है इन केसेस में, फास्फोरस तीन फिनाइल ग्रुप के साथ जुड़ा होता है, C6H5 थ्राइस, तीन फिनाइल ग्रुप के साथ फास्फोरस, और ये डबल बॉन्ड के साथ क्या है, किसी भी कार्बन चैन के साथ, जैसे कि मैंने कार्बन चैन ले ली CH2, इसके साथ जुड़ा होता है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चले जाते हैं, जिसके कारण क्या बनता है आपका ये C6H5 थ्राइस एज इट इज ये, और इस CH2 पे आ जाता है नेगेटिव, और इसके ऊपर कौन सा चला जाता है पॉजिटिव। अब कार्बन एनायन किसी हीटरो एटम, हीटरो का मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस ऑक्सीजन ही ने बोलते हैं, हीटरो एटम के साथ जुड़ा हुआ है, और यानी कि दो साथ साथ वाली पोजिशन पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आया हुआ था, इन्हें बोलते हैं इलाइड्स, और ये फास्फोरस की इलाइड्स है। तो यहां पर जो आपका कार्बन एनायन है यानी कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो किससे जुड़ा हुआ है, फास्फोरस से। तो ये फास्फोरस का इलाइड है। जब इन इलाइड्स की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन से ले लेते हैं, जैसे कि आपने ये एल्डिहाइड लिया CH3CH डबल बॉन्ड O। अब क्या किया, ये इलाइड डाल दिया, कोई भी इलाइड आप ले सकते हो, तो मैंने यही इलाइड ले लिया है, यहाँ पे फास्फोरस है और इसके साथ कितने हैं C6H5, और ये कितने हैं थ्राइस है। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ कुछ नहीं होगा, ये जो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन था तो ये तो इस ग्रुप की जगह आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, और कोई चेंज नहीं, यानी कि आपका क्या हो जाएगा CH3 है, आगे क्या है CH, और ये डबल बॉन्ड ऐसा कैसा है, इसकी जगह क्या आ जाएगा CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड एज इट इज है, और यहाँ पे क्या है C6H5 थ्राइस। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इलाइड के फास्फोरस के साथ जो ये R ग्रुप होता है इसको ऑक्सीजन की जगह रख दो, और ऑक्सीजन को कहाँ पे रखोगे आप, इसकी जगह। इस तरह से आपस में क्या हो जाएगा एक्सचेंज, और आपका क्या बन जाएगा एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस रिएक्शन को बोलते हैं विटिग रिएक्शन। एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगा, जैसे कि आपने अब की बार ये कीटोन ले लिया CH3 CH3, लेकिन अब की बार मैं क्या करता हूं, लेट अस कंसीडर आपने जो रिएक्शन करवाई है वो किसके साथ करवाई है, आप करवा रहे हो CH3 CH डबल बॉन्ड, और आगे क्या फास्फोरस, और इसके साथ C6H5 कितने जुड़े हुए, तीन। अब फिर से रिएक्शन करवाओगे तो रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ये ग्रुप इसकी जगह आ जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा CH3 C, और CH3 डबल बॉन्ड एज इट इज, तो इस कार्बन से हटा तो ये कार्बन जुड़ जाएगा CH, आगे क्या जुड़ा उसको CH3, और ये ऑक्सीजन क्या चला जाएगा यहाँ पे चला जाएगा, ये प्लस है, ये ऑक्सीजन चला गया डबल बॉन्ड एज इट इज और C6H5 थ्राइस। ये थी आपकी विटिग रिएक्शन। नेक्स्ट आपकी एक और रिएक्शन बची हुई है मैनिच रिएक्शन, वो हम देख लेते हैं। मैनिच रिएक्शन में क्या करते हैं, मैनिच रिएक्शन में हम दो तीन चीजें लेते हैं, क्या क्या लिया जाता है। सबसे पहले तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, मैनिच रिएक्शन होती है, सबसे पहले हम एक तो ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसके अंदर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप मैं पहले भी बता चुका हूं, यानी कि जिसके अंदर क्या है, जो सी डबल बॉन्ड ओ के जस्ट साथ वाला ग्रुप होता है ना, उसके ऊपर जो कार्बन पे हाइड्रोजन होते हैं वो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है। तो मैंने एक एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का एग्जांपल लिया है C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3। एक तो इस तरह का कंपाउंड लेना, दूसरा आपका फिक्स है हम फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड को मैंने ऐसे लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड O, और एक हम लेंगे हमेशा सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन का भी मैंने आपको ये बता दिया है, इसके साथ NHCH3 है और एक और CH3 ये है, यानी कि ये जुड़ा हुआ होता है। तो मैंने सेकेंडरी अमीन का भी आपको बता दिया, सेकेंडरी अमीन लोगे क्योंकि इसको दो कार्बन जुड़े हुए हैं, एक आप ऐसा लोगे क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओके जस्ट साथ वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो ये इनोलाइजेबल है, यानी कि ये थोड़े से एसिडिक होते हैं, इसमें से हम आसानी से क्या कर सकते हैं हाइड्रोजन बाहर निकाल सकते हैं। तो एक हाइड्रोजन इसमें से और एक ये अमीन का एच, दो हाइड्रोजन हो गए, एक इसमें से एक इसमें से, और यहाँ से ऑक्सीजन, ओवरऑल क्या बाहर निकल गया H2O। देखो अब क्या बचता है, यहाँ पे देखो क्या बच गया C6H5, आगे क्या बचा हुआ C डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बचा हुआ CH2, इसका एक बॉन्ड कम हो गया, यहाँ पे इसके दो बॉन्ड कम हुए क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकला, तो इस कार्बन को इस CH2 से जोड़ दिया, ये CH2। अब इसका एक बॉन्ड तो इस कार्बन के साथ पूरा हो गया, अब भी इसका एक बॉन्ड बचा हुआ, तो ये आगे सीधा इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, बस नाइट्रोजन, और आगे इसको कितने CH3 जुड़े हुए, दो CH3 जुड़े हुए हैं। ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको आप नाम दोगे मैनिच बेस। इस तरह से जो रिएक्शन हुई हम क्या बोलेंगे, मैनिच रिएक्शन, बस सिंपल है। तो आप एक इनोलाइजेबल यानी कि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन लो, लेकिन ये फिक्स है आप एक फॉर्मेल्डिहाइड लोगे और एक सेकेंडरी अमीन्स लोगे, और कोई चेंज आपने करना नहीं है, इसे हम क्या बोलते हैं मैनिच रिएक्शन। अब हमारा एल्डिहाइड और कीटोन में लास्ट टॉपिक बचा हुआ है।